हेलो फ्रेंड्स, आज हम पांच बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, तीन संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसको एक तो तरीका है आप बेसिक से x मान के करिए, और एक तरीका होता है जो आप ट्रिक से करिए। ट्रिक से करेंगे तो बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सेकंडों में सॉल्व होगा। एक्स से करेंगे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो सबसे पहले हम इसको एक्स से सॉल्व करके बताते हैं। तो क्या करेंगे, औसत पूछ रहा है तो औसत में इनको सबसे पहले ऐड कर देंगे। तो मान लीजिए 4x + 5x + 6x और फिर जितनी संख्याएं होती हैं उससे उसको भाग दे देते हैं। तीन संख्या 3 से भाग दे देंगे और कितना है 25 दिया हुआ है। तो 4 × 5 = 15, तो हो जाएगा 15x / 3 = 25। अगर इसको हम कैंसिल कर देंगे, 3 5 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x = 5 आ जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है, 6x। तो 6x में x की वैल्यू हम 5 रख देंगे, 6 × 5 = 30। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, 30 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अगर इसी प्रश्न को हम ट्रिक से सॉल्व करें तो देखिए कितनी जल्दी हम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या कह रहा है, अनुपात दिया हुआ है फिर उनका औसत। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि औसत जो होता है हमेशा बीच वाली संख्या होती है। जैसे हमें औसत अगर निकालना है 1, 2 और 3 का, तो इसका औसत क्या होगा, 2, बीच वाली संख्या। और अगर चाहे तो इसको आप जोड़ के भी निकाल सकते हैं, 3 × 2 = 5 = 6, 6/3, 3 × 2 = 6, 2 ही निकल के आएगा। तो कोई भी नंबर दिया हो, कई नंबर दिए हैं, उनका औसत पूछे तो हमेशा बीच वाली संख्या होगा। तो इसमें कौन सी संख्या औसत होगी, 5, बीच वाली संख्या 5 है, तो औसत होगी 5। और वो 5 = किसके है, 25 के, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है क्या होगा, तो 5 अगर 25 के बराबर है तो सबसे बड़ी संख्या 6 है, तो 6 किसके बराबर होगा। तो अब इसको कैंसिल कर लीजिए, 5 को 5 बार में कैंसिल, 25 को 5 बार में कैंसिल कर देंगे, फिर इनका इनका गुणा कर देंगे, 5 × 6 = 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो देखा कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य मतलब सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य होता है एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अब इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य 20 है और विक्रय मूल्य कितना है, 21 है। तो लाभ प्रतिशत, तो कोई चीज 20 में खरीदी और 21 में बेच दी, तो 20 में खरीदी और 21 में बेच दी, तो इससे हम कह सकते हैं कि 1 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। बट हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितना है, 1, और लाभ हानि निकाला किस पे जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 20, और अगर प्रतिशत निकालना तो हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो 20 से ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 5% निकल के आ जाएगा क्या, प्रॉफिट, जो कि ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसी तरह अगर हम अगला प्रश्न करें, अगला प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, क्रय मूल्य यानी सीपी और एसपी का अनुपात कितना है, 5:4, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कोई चीज 5 में खरीदी और 4 में बेच दी, तो 1 रुपए का क्या हुआ, हानि हो गई। तो 1 और हानि लाभ निकलता है किस पे है, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस है 5, और अगर हानि और लाभ प्रतिशत निकालना है तो उसको 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 20 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 20% क्या हुई, 20% हानि हुई, जो कि ऑप्शन ए में है। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से हम प्रश्न सॉल्व कर ले रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं और देखिए कितनी आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब ये प्रश्न कैसे करेंगे, सीपी और एसपी, अब इसमें सीपी क्या होगा और एसपी क्या होगा। तो इसके लिए देखिए, कोई भी जब भिन्न दिया हो यानी फ्रैक्शन दिया हो, तो फ्रैक्शन में जो उसका हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, वो सीपी होता है। तो इसका हर क्या है, 5 है, तो 5 इसका हो जाएगा सीपी, और उसका अंश क्या होता है, एसपी होता है, ये हो जाएगा एसपी, 8 हो जाएगा। तो क्या कर, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 5 में कोई वस्तु खरीदी और 8 में बेच दी, 3 रुपए का लाभ हो रहा है। तो अब निकालना है लाभ प्रतिशत, तो 3/5 और 100 से
गुणा कर दीजिए तो ये 20 बार में कैंसिल हो जाएगा 20 दिया 60, 60% का लाभ हो रहा है इस क्वेश्चन में। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्न भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए अंतिम प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है, यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 9:11 है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। वही इसमें भी करना है, तो सीपी और एसपी का अनुपात कितना है, 9 और 11। तो इसमें लाभ कितना हो रहा है, इसमें लाभ हो रहा है 2 और प्रतिशत निकालना है तो किस पे, 9 सीपी है, सीपी नीचे रख देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 200/9 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 से 9 दुनी 18, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 22.22% इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलते रहेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।